नमस्कार, मैं पवन गिल और एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। हरियाणा बीजेपी ने चुनाव आयोग को लेटर लिखकर विधानसभा चुनाव की तारीख बदलने की मांग की है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने लेटर में लिखा है कि 28 से 29 सितंबर को शनिवार रविवार है, 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी, जबकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और 3 अक्टूबर को अग्रसेन जयंती की छुट्टी है। इतनी लंबी छुट्टियों में वोटर बाहर घूमने निकल जाएंगे, इससे वोटिंग कम हो सकती है। बड़ोली ने लेटर में यह भी बताया कि 2 अक्टूबर को राजस्थान में मुकाम धाम में आसोज का मेला शुरू होगा। यह बिश्नोई समाज का बड़ा धार्मिक कार्यक्रम है। इस मेले में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली से लोग पहुँचते हैं। हरियाणा में बिश्नोई समाज की जनसंख्या अधिक है, इसका असर भी वोटिंग पर हो सकता है। इनेलो ने भी भाजपा की तरह चुनाव आयोग से वोटिंग तारीख आगे बढ़ाने की मांग की है। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा कि आमतौर पर लोग वीकेंड में छुट्टियां मनाने चले जाते हैं, इससे मतदान 15 से 20% कम हो सकता है। मालूम हो कि चुनाव आयोग ने 16 अगस्त को हरियाणा में चुनाव का ऐलान किया था। यहाँ 1 अक्टूबर को वोटिंग और 4 अक्टूबर को रिजल्ट आएंगे। अखिल भारतीय बिश्नोई समाज महासभा ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त को लेटर लिखकर चुनाव की डेट बदलने की मांग की है। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुडिया ने कहा कि 1 अक्टूबर को राजस्थान के बीकानेर में बड़े मेले का आयोजन होगा। इसमें बिश्नोई समाज के काफ़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, ऐसे में चुनाव की डेट बदली जाए। बिश्नोई समाज की वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक भिवानी, हिसार, सिरसा और फतेहाबाद जिले में बिश्नोई बहुमूल्य गांव हैं। इनका असर करीब 11 विधानसभा क्षेत्रों में है, जिनमें करीब 1.5 लाख वोट हैं। इनमें आदमपुर, उकलाना, नड़वा, हिसार, बरवाड़ा, फतेहाबाद, टोहाना, सिरसा, डबवाड़ी, एलनाबाद, लोहारू विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। भाजपा के लेटर के बाद कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर एक्स पर लिखा, छुट्टी होना तय है, इसलिए छुट्टी का बहाना बना रहे हैं। तो कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने लिखा, यह दर्शाता है कि बीजेपी चुनाव में किस कदर घबराई हुई है। अपनी हार सामने देख सत्ताधारी पार्टी द्वारा बचकाने तर्क दिए जा रहे हैं, क्योंकि उसके पास न कोई मुद्दा है, न जनता को बताने लायक कोई काम या उपलब्धि, नोर न ही टिकट देने लायक 90 उम्मीदवार। इसलिए बीजेपी छुट्टियों का बहाना बनाकर चुनाव टालने की साजिश कर रही है। हरियाणा के मतदाता बेहद जागरूक हैं, वे कई छुट्टी मनाने नहीं जाएंगे, बल्कि बीजेपी की छुट्टी करने के लिए भारी संख्या में मतदान केंद्र आकर वोट देंगे। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा कि छुट्टियों के चलते वोटिंग पर असर न पड़े, इसलिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने चिंता जाहिर की है। इसे लेकर पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया है। मैं भी माननीय चुनाव आयोग को कहना चाहूँगा कि वो इस पर विचार करे और सभी दलों से बात करके तारीख आगे पीछे कर ले, ताकि वोटिंग पर इसका असर न पड़े। वोटिंग बढ़ेगी तो यह हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा है। लोकसभा चुनाव में देखा गया कि भाजपा को वोटिंग प्रतिशत घटने से नुकसान होता है। लोकसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत घटने से भाजपा को नुकसान हुआ। लोकसभा चुनाव में 65% वोटिंग हुई, यानी 2019 के मुकाबले करीब 5.34% कम। इसमें भाजपा को 46.6 वोट प्रतिशत मिले, वहीं कांग्रेस का वोट शेयर 43.73 रहा। भाजपा 10 में से 5 ही सीटों पर जीत सकी। 2019 में हरियाणा में 70.34% मतदान हुआ था, जिसमें भाजपा को
58.2% वोट हासिल हुए और भाजपा ने राज्य की सभी 10 सीटों पर कब्जा जमाया। कांग्रेस 28.5% पर ही आकर सिमट गई। इसी तरह 2014 में 71.45% मतदान हुआ तो भाजपा को 7-8 सीटें मिली और वोट शेयर 34.8% रहा। आपको हमारी छोटी सी अपडेट कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें।